मैं रेडी हो चुका हूँ, मैं आपको दिखा नहीं पाया कि मैं निकल गए थे घर से हमारे लिए। मैं आ चुका हूँ मिलने, क्योंकि मिलने अलग दूल्हा दुल्हन का वेट, दीदी को लेने दीदी का चल रहा है शूट। Hey guys, welcome back to my other vlog। और आज है मेरे घर में एंगेजमेंट, ये मेरी माँ पूजा करके भी निकली है। हैं सरदार जी तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज है मेरे घर में एंगेजमेंट, मेरी दीदी की सगाई है आज। तो लोगों को पता होगा कि मैंने ना शॉपिंग वाला व्लॉग डाला था जब मैं दीदी की सगाई के लिए शॉपिंग करने गया था। तो फाइनली आज वो दिन है जब मैं तैयार होकर जाऊंगा, तुम्हारा भाई थोड़ा बहुत अच्छा सा बन के जाएगा। फिलहाल तो अभी गंदा सौरभ में काम में लगा पड़ा था, एक दो काम करने, क्योंकि मेरे को निकलना है 2-3 बजे के करीब, क्योंकि वहाँ 4-4:30 तक वहाँ पे शायद कुछ स्टार्ट है, तो वहाँ पे जाना उससे पहले तो वहीं चलते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ, तो व्लॉग उठते ही पहले एक दो काम थे वो करें, फिर आते ही पहले व्लॉग स्टार्ट करें, क्योंकि आज मैंने बोला था कि व्लॉग बनाऊंगा एंगेजमेंट जाऊंगा। तो चलो अभी तो फिलहाल थक रखा हूँ यार, आवाज़ निकल नहीं रही क्योंकि मुझे हो रखा है कोल्ड, नाक बंद है, आवाज़ से पता चल ही रहा होगा जीव सी हो रही है। बाकी तुम्हारा भाई कल कट हेयर कट और वो सब तो दाढ़ी वाढ़ी सेट करवाया था, बेहतरीन सा स्मार्टी बॉय बन के जाएंगे आज। तो देखते हैं कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा हूँ, फिलहाल तो अभी ऐसा ही हो रखा हूँ। तो चलो चलते हैं आगे, मिलता हूँ फिर आपसे। मैं रेडी हो चुका हूँ, मैं आपको दिखा नहीं पाया कि मैं रेडी वेडी कब हुआ, क्योंकि टाइम ही नहीं था, मैं एक दो काम निपटाने थे, क्योंकि पापा ने ऑलरेडी जा चुके हैं। तो पापा ने मुझे बोला था एक दो चीज़ें रह गई हैं तो वो लेके आए, तो वही मैंने बैग वैग पैक कर लिया अपना जो भी मेरे को रखना था, तो इस वजह से दिखा नहीं पाया था। तुम्हारा भाई कुछ ऐसा लग रहा है, कमेंट में बताना कैसा लग रहा हूँ। बाकी मैं तुम्हें मम्मा को दिखाता हूँ, मम्मा को दिखा दूँ पूरा, मैं कुछ ऐसा लग रहा हूँ आज का पूरा लुक मेरा ये है। बोरी मम्मा, मम्मी दिखाओ, अच्छी लग रही हो। मैं कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा हूँ। तो चलो चलते हैं नीचे, बैग वैग उठाते हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं, पहुँचना है उससे पहले, तो चलते हैं पहले तो सीधा। निकल गए थे घर से, हमारे घर में कंट्रोवर्सी होती रहती है, नॉर्मल है। आज वैसे एक चीज़ हुई, हम बिना कलेश के घर से निकले क्योंकि पापा नहीं थे ये तो इंडियन फैमिली की नॉर्मल चीज़ है ना कि कलेश नहीं होती जब तक घर में, तब तक कोई फंक्शन में जाया नहीं जाता, पर आज हम बिना कलेश के निकले। कमेंट करो ऐसे किस किस के घर में होता रहता है यार। मैं आ चुका हूँ जहाँ पे सगाई है राज मंदिर, तो चलते अंदर। बाकी अभी धूप हो रही है, बाकी हमारा तो जल्दी का अरेंजमेंट था ना, इसलिए तो अभी अंदर जाके पहले देखेंगे कौन कौन आ गया। चल रहे अंदर, आ चुका हूँ, तो चलो अंदर चलते हैं। चाचा नमस्ते, नमस्ते। कपड़े लिए हैं आपके? आज व्लॉग बना रहा हूँ मैं। मैं कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा हूँ। मैं आ चुके थे, फंक्शन स्टार्ट होने में भी 1 घंटा है, तो हमें लग रही थी भूख, तो भाई और मैंने कुछ ऑर्डर कर रखा है। मम्मी भी यहाँ बैठी हुई फ़ोन चला रही है, कुछ है ही नहीं करने को, बोर हो रहे हैं क्योंकि 1 घंटा है अभी, सब तैयार होने गए हैं। हम लोग थोड़े जल्दी आए क्योंकि हमें गाज़ियाबाद से आना था ना फरीदाबाद, तो पापा तो ऑलरेडी यहाँ थे, पापा भी गए अभी रेडी होने के लिए, तो आते हैं तो सबको दिखाता हूँ। दीदी दीदी को भी, दीदी दीदी से भी मिलवाता हूँ, आप लग रही थी भाई आ जाओ, यहीं पर ही रख दो भैया। तो भूख लग रही थी, कुछ मंगाया तो खाना आ गया है, खाना पीना हो चुका था, हम जा रहे हैं जीजा जी से मिलने, क्योंकि मिले नहीं थे तब से आए हैं, वो रेडी वेडी हो रहे थे। चलो मम्मी और मैं जा रहे हैं, भैया भी जा रहे हैं। तो जीजा जी के रूम में आ गए। जी जी नमस्ते, कैसे जय जी? बढ़िया। ये हमारे जीजा जी हैं, प्यारे प्यारे। हाँ ब्लॉग्स में नीचे आ गए थे, जीजा जी से मिल के अब तैयार हो रहे नीचे आए हैं। चलो नीचे चलते हैं। हेलो, ये रही हमारी बहन है जिनकी आज एंगेजमेंट है। हेलो, आज तो अच्छी लग रही हो, बड़ी हो गई यार आप बड़ी जल्दी यार। देखो पूरा दिखा दो, मेरे यूट्यूब फैमिली को दिखा दो, सुनो दिखा दो इधर भी, मैं दीदी को दिखा रहा हूँ कैसी लग रही है। बुआ बुआ नमस्ते, चाची नमस्ते। हम लोग नीचे आ गए थे सब बहन बहन से मिलके, तो हम लोग नीचे आए हैं हॉल में, तो ये सारे हमारे भाई लोग खड़े हैं। चलो नीचे चलते हैं अंदर को, देखते हैं अंदर का, आपको दिखाता हूँ सब कुछ। बाकी जितना मौका मिलेगा उतना तो शूट करता ही रहूँगा। बाकी देखो जो भी, हम लोग नीचे आ चुके हैं और ये और मैं तो भाई कॉपी कॉपी, हम दो इधर आगे थे, इधर दिखाते हैं तो हम दोनों कुछ ऐसे लग रहे हैं दोनों भाई। तो मैं गेस्ट आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, दादी है मेरी, वो बुआ हैं। तो नीचे चलते हैं, ऊपर से सब आई गए ना।
आगे चलो, क्योंकि पहले काम होता है, हम कोई एंजॉय नहीं कर सकते। अभी तक एक स्नैक्स भी नहीं खा रहा, सब खा रहे हैं। बस तू खाता ही रहे, बहन की शादी है वैसे बोलनी है, सगाई है, सॉरी सॉरी सगाई है, सगाई शादी में, शादी कब, जनवरी में। खुद कितनी मेहनत कर रहे हो यार। हाँ तो देख नहीं रहा, सबसे चार पांच चक्कर हो गए ना, मेरा से भी ज्यादा। हेलो, चलो चले यहाँ नीचे, बाकी अभी तक दिखाई नहीं पड़े, काम भी लगे पड़े हम लोग तो। दीदी को लेने, दीदी का चल रहा है शूट, आज के दिन तो ब्राइड मॉडल हो जाती है ना। हम बस भाई यहाँ खड़े हैं इन्हें ले जाने के लिए, इनका शूट खत्म हो तो हम चले चले। चलो चले नीचे, चिड़चिड़ी हो गई है, पहली दुल्हन है जो ऐसी चिड़चिड़ी घूम रही है मार्केट में। यार दीदी यार वैसे अच्छा नहीं लग रहा, और ये हमारी बहन और है, सब्सक्राइब करने को बोल दिया चैनल में। हाँ, इनका चैनल सब्सक्राइब कर देना। तूने तो करा नहीं है। नहीं, मुझे नहीं करा है। ले दुबिया, ये भी मेरी बहन है, खा रही है बस, ये और कुछ नहीं है। ये वो बच्चे जो बस शादी में आते हैं खाने के लिए, वैसे सगाई है, बारह शादी निकल रहा है। सब दीदी को लेने आए हैं, वैसे मैं तो नीचे ही था, ये लोग आ गए फेम लेने के लिए, आए हो ना तुम लोग नीचे। ग्राउंड उस पे जाना है, रिसेप्शन पे। दीदी इधर देखना, अच्छी लग रही हो यार रास्ता। चलो, ये हमारे बड़े भैया, ये और जीजू हमारे जो चल रहे हैं, लेने आए थे इनको, लेने आए थे, अब अंदर जा रहे हैं सारे, तो चलो सारे भाई लेने आए थे इन लोगों को। चलो चलो जल्दी चलो, ओए पापा का कॉल आ रहा है, बुला रहे हैं, चलो आजा चले। वो तो साथ लेके आए थे लेकिन उनका उनको शूट करने के लिए रोक लिया गया है, हम इधर जा रहे हैं। चाची, ये मेरी चाची। अरे वो मान नहीं रही है ना, कॉन्ट्रोवर्सी कॉन्ट्रोवर्सी कॉन्ट्रोवर्सी, फैमिली फंक्शन में कॉन्ट्रोवर्सी इज नॉर्मल है ना। मैं बोल रहा हूँ चाची, फैमिली फंक्शन में कॉन्ट्रोवर्सी इज नॉर्मल है ना। ये दोनों जेठानी देवरानी है, दिखा देता हूँ इन दोनों को। चलो, दूल्हा दुल्हन का वेट कर रहे हैं, वो शूट में लगे पड़े, उन्हें कोई छोड़ भी नहीं रहा। और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली जा रही है, पहले हम दो तीन आए थे और अब धीरे धीरे सब आ रहे हैं। सॉरी भाई, आ ही जाएंगे थोड़ी देर में। मस्त आ रहे हैं हमारे पापा, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं यार। ब्लॉग में आए तो बोले सबको, हमें तो आगे जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। चलो मिलने दो, फर्स्ट आ चुकी हूँ, ब्लॉग में है तो, ब्लॉग में है तो करो। अब बुआ भी, बुआ को भी ले लिया मैंने ब्लॉग में, फिर बोलेंगे नहीं है बुआ। तो हम सब बैठे थे वहाँ पे, पूजा चल रही है हमारे पीछे ही, पापा ही हैं, पूजा पूजा चल रही है, हम लोग इसलिए आगे बैठे हैं, और पहली दुल्हन है जो अपनी सगाई की पूजा सामने से देख रही है। हमारा घर कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है ना, इस वजह से। और कैसे बाकी ये नई जवान बुआ है, मॉडर्न टाइप, मॉडर्न टाइप पुराने जमाने वाली बुआ गंगे हमारी, वो पीछे ही है, वो बैठी पीछे है। सब एक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ब्लॉगिंग ही है। मैं बता देता हूँ, ये है मेरी बिल्कुल सगी चाची, चाची इकलौती छोटी माँ, बस बस वो कैमरा अच्छा है एकदम, वो उनका कैमरा अच्छा है। ये रही हमारी बुआ, इनकी बेटी है ये बुआ, बुआ बुआ, ये देख लो ब्लॉग में देख लो, आए बोलो सबको इतनी बुरी तरह है एकदम। बुआ का मन नहीं था, अब लोग कमेंट मिलेगा 50 रुपये एक्टिंग के काट देते। अपने फोटो शूट पे लग चुके हैं और हम सब शगन देने वाले बाहर खड़े हुए हैं, अभी करेंगे करेंगे पूरा दुल्हा दुल्हन, अभी टीका वीका हो रहा है, रसम वसम हो रही है ना, इंडियन कल्चर। ये मेरी मॉडर्न बुआ है, ठीक है, पैसे काट लूंगा इनके पास, बस बस स्टार्टिंग में ही होते हैं ऐसे लोग खुश है ना, फिर हमारे पापा जैसी हालत होती है, फिर हमारे पापा जैसी हालत हो जाती है सबकी है। बुआ, बुआ जी का भी यही हाल है ना, बता दो क्या
अभी आ रहे हैं फूफा जी। फूफा जी को फिर मैं ब्लॉग में ले लूंगा ना, मैं बोल लूंगा फूफा जी अपना हाल बता दो, पहले ऐसे होते हैं खुश खुश फिर ऐसे हो जाते हैं उसके बाद ये तो खुशी रहते हैं ये तो दुखी देते हैं हमें। यहाँ थोड़ा गाने बाजी चल रही है और मेरी माई गा रही है तो डांस वन सब हो गए यहाँ पे हरियाणा तो डीजे तो बंद हो गया 10:30 मम्मी मेरा डांस हमने थोड़ा सा ही करा चलो कोई नहीं लेकिन अभी सबसे मेन काम हो रहा है वहाँ हो रहा है फोटोशूट और अभी हमारी बारी आई है ना छगन वगन तो मिला तो अभी फूफा जी खाना खाए मेरे तो फूफा जी हुए ना ये मॉडर्न बुआ के मॉडर्न फूफा जी है ठीक है बुआ ने बोला मैं मॉडर्न हूँ मैं उनको नाम ही मॉडर्न बुआ रख लगा है तो वहाँ सब चल रहा है फोटोशूट और हम लोग अभी अपना अपनी बारी का वेट कर रहे हैं टोकन बट गए हैं हमारे भैया जी स्माइल तो डिनर लग गया पहले डिनर करते हैं ये मेरे चाचा बढ़िया वाले चल रहे हैं आ रहे हैं हाय बोलो सब्सक्राइबर्स हाय बोलो चैनल सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे टाइम मत मेरे चाचा है तो चलो डिनर करते हैं बैठे हैं सब डिनर करते सबके साथ चलो एक बात बता किसने मार दिया तेरे को अच्छा ये बता दे किसने मारा तेरे को किसने मार दिया ये वाले साइड हट जाओ भाई कौन है मार के हो जा मार रहे थे ये वाले ने मारा क्यों मारा क्यों मारा इसने क्या करा था अच्छा जा मारिया अपना बदला ले ले वापस जाके मार दो नहीं मार देने बड़ा भाई होता है ना पैर से नहीं भाई अब बस अब हैप्पी पीना मारा हो चुका था बाकी सब तो मेहमान जा चुके हमारे टीके भी कर रहे थे भाई भाइयों के तो टीके भी के करे सब जा चुके हम लोग ही बचे बस फोटोशूट चल रहा है दीदी और जीजू का अभी भी क्योंकि हो नहीं पाया था डिनर क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है ना यहाँ पे ज़्यादा चलता नहीं है हमारे यूपी में ठीक है ऐसे अपना कभी कितने बजे तक डीजे बजाओ यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है यार 10:30 करेक्ट डीजे बंद हो गया ना हम डांस कर पाए क्योंकि लेट ही सब इतना हो गए थे मैं और मेरे फ़ोन में तो फिलहाल बैटरी भी नहीं जितना चलेगा तब तक तो ब्लॉक करूँगा ही करूँगा करते रहते हैं चलो आगे मिलते हैं हमारा सारे प्रोग्राम खत्म हो गए से हम लोग भाई भाई बह गए अपनी फैमिली फैमिली रह गई सब लोग चले गए हैं लेकिन सिर्फ दो लेडीज हैं जो नहीं मान रही हैं 10,000 फोटो खिंचवाने के बाद भी इतनी बार कॉट हो रही है कैमरे में उसके बाद भी नहीं मान रही है
और एक ये लड़की इनकी बेटी, क्या सब मिली भगत है ये? पहले कोई नहीं मान रहा, उसके बाद ही अभी भी कह रही है कि दुल्हन बनना चाह रही है ये दोनों। और बेचारे हमारे दियोर जीजू को शूट अभी तक चल ही रहा है, टाइम हो रहा है 12:30, उसके बाद भी अभी तक वो नहीं हो रहा। चल ये मान भी नहीं रहा था, नहीं मान रही है। अब वो भैया आ रहे, लाइट बंद करके जाएंगे तब ठीक होंगे। ये भी पता है क्यों रुके, उन लोगों का शूट चल रहा है बस अभी तक, दूल्हा दुल्हन का नहीं मान रहे। इन्हें मैंने इतना व्लॉग में ले लिया है, तू भी खींच रहा है उनकी। वो एक आदमी ढूंढ रही है जो उनकी फोटो खींचे। हो चुका है पैकअप, हम सब जा रहे हैं। अब मेरे सब्सक्राइबर्स को हाय बोलो, हाय बोलो। ये मेरी दादी, मेरी जान, वो तो चाची है, पता ही चल गया होगा। बाकी हम सब जा रहे हैं, हम सब पैकअप हो चुका है। ओ यार मेरे भी है पैसे, जीजा जी पैसे बांट रहे। तो लोग अपने रूम पे आ गए थे, थक गए थे सब लोग। मैं अपनी दादी के साथ बैठा हूँ, आज तो हमारा यहीं प्लान है रुकने का। तो इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।